तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे व्लॉग्स में। तो आज मैं आई हूँ कैपिटल मॉल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉल बहुत ही बड़ा है, लेकिन स्पेसिफिक मैं आज सिनेबॉन, ये एक छोटी सी इन्होंने यहाँ पर स्टॉल जैसा लगाया हुआ है मॉल के अंदर, जहाँ पर ये अपना पैनकेक्स जो हैं, सिनेमन पैनकेक्स जो हैं, ये सेल करते हैं। और आज देखेंगे कि ये किस तरह से अपने पैनकेक्स को तैयार करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो लड़कियाँ हैं जो इन सिनेबॉन्स को तैयार करती है। इनमें से एक ये हैं, और इससे पहले कि ये शुरू करें, मैं यहाँ का आपको सेटअप दिखाना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए, डिश वॉशर, जहाँ पर डिशेस साफ़ की जाती है, बर्तन साफ़ किए जाते हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं इसके। और यहाँ पर ये ड्रिंक्स तैयार हो रही हैं, ये प्री वर्क है। शॉप खुलने से पहले ये लोग अपना जो तैयारी करते हैं, ये देख लीजिए, इसने डो सेट कर दिया मशीन में। फिर मैंने इसको बोला कि प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए मेरी ऑडियंस के लिए, और इन्होंने ये डो लगा दिया है मशीन के अंदर। अब बटन दबाते हैं, और जैसे ही इन्होंने बटन दबाया, आप देख सकते हैं कितनी पतली परत निकली है इस पूरे जो ये डो रखा था। अब इन्होंने इसे अपने हथेलियों से इसे चारों तरफ से जो है बराबर किया, जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से ये आटा जो है खींच रही हैं चारों तरफ से। मैं बताना चाहूँगी कि जो इसका जो डो है वो आटे से, गर्म आटे से तैयार होता है। और सामने आप देख सकते हैं बेलन कितना बड़ा रखा हुआ है इन्होंने। अब इसके बाद बटर इसके ऊपर पूरी तरह से फैलाया जाएगा। ये देखिए, एक स्पैचुला जो है रखा हुआ है इन्होंने सामने। अब इस स्पैचुला की मदद से पूरा बटर इस डो के ऊपर लगाते हुए चारों तरफ से इसके ऊपर बटर की तह लगा रहे हैं ये लोग। किस तरह से लगाई जा रही है आप देख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो बटर है वो पूरी तरह से चारों तरफ लगाया जाए, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी तरह से इन्होंने इसे पूरे बटर की परत चढ़ा दी है इस पूरे डो में। और कितना चिकना चिकनाहट वाला ये डो लग रहा है। और अब आप देख लीजिए, ये दालचीनी को ये मशीन में रख के इसका वेट कर रहे हैं कि इनको कितनी मात्रा में इसके ऊपर दालचीनी जो है डालनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नाप तोल कर चीज़ बनाई जाए तो बहुत ही अच्छी बनती है। ये दुनिया की सबसे अच्छी दालचीनी का उपयोग करते हैं। सिनेबॉन के रचनाकारों ने सबसे स्वादिष्ट और सुगंधित दालचीनी की खोज की और कोरिनत्ते या माकरा पर विचार किया। ये एक ऐसी किस्म है जिसे केवल इंडोनेशिया के पहाड़ों में कैसिया के पेड़ों से काटा जा सकता है। ये जो दालचीनी है, ये कैसिया के पहाड़ों जो है, कैसिया के जो पेड़ होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। और ये दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की दालचीनी अपने सिनेबॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखा ही है किस तरह से इन्होंने इसे डो पे फैलाया, और अब इसके जो है रोल इसका तैयार हो रहा है एक अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये इसका पूरा एक रोल तैयार कर रही हैं, अपने जो है हाथों को कितनी खूबसूरती के साथ ये इस रोल को मोड़ते हुए एक पूरी चौड़ाई में एक पूरा रोल बना रही हैं। चौड़ाई नहीं, लंबाई में, सॉरी,
और देख लीजिए कितना बड़ा रोल जो है ये बन गया है। अब इसे ये मेजर करती हुई, मेजरमेंट ले रही हैं स्केल की मदद से। इन्होंने एक टुकड़ा काट लिया और इसके छोटे छोटे जो हैं इन्होंने हिस्से बना लिए हैं कि कितने हिस्से इस रोल के बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा है ये 12 रोल्स जो हैं वो तैयार होंगे। विश्व प्रसिद्ध दालचीनी रोल ताज़ा बेक्ड अनूठे मीठे व्यंजन के लिए गरम आटे, प्रसिद्ध मकर दालचीनी और सिग्नेचर क्रीम चीज़ के संयोजन से बनाया जाता है। ये देख लीजिए रोल की कटिंग कितनी खूबसूरती के साथ हुई है। इन्होंने अब अपने जो है ओवन ट्रे निकाल ली है और इसके ऊपर बटर पेपर जो है वो सेट कर लिया है। और अब धीरे धीरे ये जो इन्होंने रोल्स तैयार किए हैं ये इस जो है शीट के ऊपर ये लगा देंगे। ये देख लीजिए एक एक शीट में मेरे ख्याल से एक ये 6 जा रही है, एक ट्रे में 6 रोल्स जाएंगे बेक होने के लिए। मैंने सही अंदाज़ा लगाया था कि टोटल जो है 12 जो सिनेमन रोल हैं सिनेबॉन जो हैं वो तैयार होंगे। और अब ये देखिए ये तैयार होने के लिए अब जा रहे हैं अवन के अंदर, इनको रखा जाएगा। ये देख लीजिए अवन के रखने इन्होंने इसे अवन के अंदर रख दिया है। अब इसका टेम्परेचर ये सेट करेंगे। They'll go in the oven for about 15 minutes. Mm-hmm. And then when they come out, you'll want to temp them until about like 170. And then as soon as they come out, we're just frosting them and then we put them on a hot plate. So. Okay. ये देख लीजिए बड़े वाले भी तैयार हो गए हैं। ये देख लीजिए ये इस तरह से बन के आए हैं, इनकी शेप देख लीजिए। ये देख रहे हैं अंदर, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि तैयार हो गया है या नहीं हो गया है। ये देख लीजिए पूरी तरह से तैयार है, इन्होंने इसका टेम्परेचर देख लिया है। और ये अवन ने सीटी दोबारा से मार ली है। और ये देख लीजिए टेम्परेचर मशीन इनकी, जिसे ये टेम्परेचर देख रहे हैं। एक बार फिर से हल्का शायद रह गया हो ये। सो फ्रेंड्स ये देख लीजिए अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसका भी टेम्परेचर ये चेक करते हुए दूसरी बार टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और ये पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। इट्स डन, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो ये दोनों तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों जो है एक साथ तैयार हो रहे हैं। ये इसमें भी कट लगा रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। ये देखिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मेरा मन कर रहा है कि बस मैं अभी आऊँ और इसे खा जाऊँ, ये इतना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसके ऊपर भी क्रीम लगाई जा रही है ये लोगों को, क्योंकि ऑर्डर्स तैयार करने हैं अपने। तो अब ये दोनों जो है ये तैयार करने में आप देख सकते हैं किस तरह से तैयार हो रहा है, किस तरह से उसमें क्रीम लगाई जा रही है। मैंने अपना जो है एंगल भी चेंज कर दिया है और यहाँ पर इस तरह से ये बंस जो है वो तैयार हो रहे हैं। देख लीजिए इस तरह से इसमें पूरी क्रीम जो है लग चुकी है। जिस जिस के मुंह में पानी आ रहा है वो मुझे बताए। यहाँ से क्रीम लेकर ये देख लीजिए तरह से ये तैयार होकर ये सामने रख दिया जाएगा। अब लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ से अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर लेंगे।
फ्रेंड्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने पूरा प्रोसेस देखा हो और इन्होंने हमें पूरा प्रोसेस दिखाया है और अब इनसे हम इस बन को खाने के लिए मैं ख़रीद रही हूँ अब इनसे ये सिनेमन बन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनका भी कोई भी किसी तरह से लॉस ना हो। इतनी मेहनत के बाद भाई सभी को उसका फल मिलना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो सो आई जस्ट नीड दिस बिग बन, या क्लासिक। ओके, सो हियर वी गो। थैंक यू। तो देख लीजिए, अब मैंने एक अपने लिए एक ऑर्डर किया है, अब ये इन्होंने इसमें डाल दिया है एक डब्बे में। यू कैन ओपन इट। ओके, सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इसे घर जाके खोला। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं और इसके छोटे छोटे कट किए। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और क्योंकि उसके जो टुकड़े करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए मैंने हल्के से कोने से इसे काटा और फिर मैंने इसे अकेले नहीं खाया क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। अकेले खाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसे यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा यमी यमी टेस्टी था। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपके लिए आपको दिखाया है, तो मुझे बताइए कि आपको ये पूरा प्रोसेस किस तरह से लगा। वेरी टेस्टी, असल में बहुत टेस्टी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।